हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम। ये देखिए गाइस, अभी ये बिल्कुल नई साड़ी है। देखिए अभी इसका टोकन भी लगा हुआ है, लेकिन ये कट ही निकल गई है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको रफू करा सकते हैं, और अगर रफू का हमारे पास कभी कभी सुविधा नहीं होती हमारे आसपास, या कुछ जगह ऐसी होती जहाँ पर हम जल्दी रफू नहीं करवा सकते हैं, तो हम क्या करें। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका बॉर्डर पूरी तरह हटा लेते हैं। जहाँ तक कटी है बस वहाँ तक आपको ये बॉर्डर हटाना है। गाइस, अगर आपके पास कोई साड़ी है आपके पसंद की और नई साड़ी है, तो अगर कभी सेफ्टी पिन लगाते हैं या कभी कोई बात हो जाती है और बीच से अगर कहीं से ये कट जाती है, इस तरह से अगर खराब हो जाती है, ये देखिए ये साड़ी इस तरह से बीच से कट गई है। तो इसे कैसे ठीक करने का क्या तरीका है तो देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये साड़ी यहाँ से कटी हुई है। जब इसे चेक करके देखा तो अभी नई है, लेकिन शायद पता नहीं किसी वजह से कट गई है। तो इसे हम कैसे ठीक करना है तो देखिए हम क्या करते हैं इसके लिए। तो पहले हम देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नाप के देखते हैं। तो ये हमारे यहां से पल्लू के पास से कटी हुई है, पल्लू से थोड़ी दूरी पे इस तरह से यहां पर कटी हुई है, बस पल्लू से थोड़ी दूर पे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका बॉर्डर पहले निकाल लेंगे। इसका बॉर्डर हम खोल के निकाल देंगे, अलग कर देंगे इस तरह से। जहां तक ये फटी हुई है वहां तक इसका बॉर्डर पहले हम खोल लेंगे, ये इस तरह से सिलाई से हटा देंगे। स्टिकर को हम हटा देते हैं इसका। अभी हमने बॉर्डर हटा लिया है इसका। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको नाप लिया है कि ये कितनी दूरी पे कटी हुई है। तो ये लगभग थोड़ी ही दूरी पे कटी हुई है, 80-90 के सेंटीमीटर के लगभग है। तो हम क्या करेंगे इसका कि यहां से इसको कट कर लेंगे, जहां से ये कटी हुई है, ये यहां से इस तरह से फोल्ड करके इसको हम कट कर लेंगे। क्योंकि ये पल्लू से पास से, ये देखिए इस तरह से यहाँ से कट कर दी। ये अलग हो गया, ये अलग हो, इतना टुकड़ा हमने अलग निकाल के रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो पल्लू का बॉर्डर है उसको इस तरह से लगाते हुए, इस तरह से ऐसे फोल्ड करके इसको जैसे लगा हुआ था पहले, उसी तरह से ऐसे लगा देंगे इसको, पूरे बॉर्डर को इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर देंगे। इस तरह से मोड़ के इसका हम बॉर्डर पहले सेट कर लेंगे। इस तरह से इसका पल्लू हम तैयार कर लेंगे, जैसा पहले था वैसा ही। पलट के, इसी तरह से पलट के दूसरी तरफ का बॉर्डर भी सिल लेंगे। ये साइड का भी इसी तरह सिलाई कर लेंगे बॉर्डर में, लेफ्ट में इस तरह से लगा देंगे पूरे में। एक से करते हुए ये देखिए पूरा बॉर्डर लग के साड़ी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए अब साड़ी इस तरह से बन के पूरे में बॉर्डर लग गया है, और ये इस तरह से तैयार हो गई है। अब ये कटी हुई नहीं है, कटा हुआ इसका भाग निकल गया,
और ये पल्लू आ गया इसका, और ये हमारी साड़ी फिर से पहनने लायक हो गई है। हम अच्छे से ऐसे यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि इसका ब्लाउज इसी में जुड़ा हुआ था, तो उसका ब्लाउज मैंने निकाला नहीं और उसे साड़ी को पूरा एक साथ कर दिया, और आगे से पल्लू इसका जहां से कटा हुआ था वहां से उतना टुकड़ा निकाल दिया, तो ये हमारा ब्लाउज का टुकड़ा ये अलग हो गया। अब इसका आप डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं या जैसा भी चाहें आप। ये टुकड़ा मेरा निकल आया है, इससे हम ब्लाउज बना सकते हैं। आप जैसा भी ब्लाउज बनाना चाहें आप इससे डिजाइनर ब्लाउज बनवा लीजिए, और आपकी साड़ी फिर से पहनने लायक बिल्कुल नई जैसी हो गई है, जैसी थी पहले। कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आपने कि ये साड़ी बीच से कटी हुई थी या कहीं से खराब थी, इसमें बहुत ज्यादा कटी हुई थी। तो गैस वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।